everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. So this is part second of fresher vlog. So morning ka decoration karke saam mein ready hoke we reach to the Audi. Hi Madhu yaar. Hi. Nidhi the gorgeous one. Guys gate ke andar jaate hue. ये किसके लिए है? पहले तुम कभी कुछ किया जाए अगर ऑनलाइन जाओ तो देखो उसमें से अगर फ्यूज हो जाए ये सब अपने At this point, I was missing my Yari. Aradhya, Nishu, Annu, यार काश तुम सब मेरे साथ होते बहुत अकेला फन फील हो रहा था कॉलेज में आके स्टिल फीलिंग माई स्कूल की यारी लव यू ऑल बे काश वो दिन वो पुराने दिन फिर से वापस आ जाते हैं सच्ची यार एक फोटो मेरी ले देगा यार, जिसका कैमरा बढ़िया हो द व्यू ऑफ दैट नाइट Look at the view. It was outstanding. मतलब no words can describe it. Not a single word. Full of cheers, full of colors. So amazing. Plus everyone look. Oh my God, killing look of everyone. So here we welcome off sir with bunch of flowers like bouquet to the event. Welcome sir. It is my pleasure to welcome you as a fresher, the first batch, brand ambassador of Rani Durgavati Nursing College. It is yours again a dream to become a good nursing staff which is going to serve the humanity. हॉस्पिटल को और मेडिकल कॉलेज को एक अच्छी रेपुटेशन पे लाना है तो बिना सपोर्ट के नर्सिंग स्टाफ के ये पॉसिबल नहीं है आप हमारी टीम के सबसे इम्पोर्टेंट पिलर होते हो और ये सब बिना आपके सेक्रीफाइस के नहीं संभव है मैं देखता हूँ कि हमारी नर्सिंग स्टाफ जो आती है दे हैव डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए फीमेल नॉट ओनली डूइंग जॉब बट शेयरिंग ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए मदर
बहुत दिनों के बाद घर में खुशियां नजर आई थी। आज बहुत दिनों के बाद घर में खुशियां
थी केजीएमयू के खौफनाक रिजल्ट के बाद आरडीएमसी में मैंने एंट्री लो पाई थी। मम्मी पापा को छोड़ अब मम्मी पापा को छोड़ बढ़ना मुझे आना था, जिंदगी का नया चैप्टर कॉलेज का फसाना था। याद है मुझे वो पहला लेक्चर मैथ्स के छोले खाए थे, याद है मुझे वो पहला लेक्चर मैथ्स के छोले खाए थे। पहली क्लास में सर हमको टर्मिनोलॉजी नहीं तो पढ़ाए थे। अच्छा हुआ तो पीछे बैठी, अच्छा हुआ तो पीछे बैठी, वरना मुझे सो जाना था, जिंदगी का नया चैप्टर कॉलेज का फसाना था। सेल्फ इशू तक तो ठीक था यारो, सेल्फ इशू तक तो ठीक था यारो, इस ब्लड ने तो हम पे लाल रंग छिड़काया था। ये तो थी पढ़ाई की बातें, अब कुछ करिकुलम एक्टिविटीज पर आते हैं। अब तक तो दुपट्टे ही लोगों की घड़ियों में फंसना शुरू हो जाते हैं। ग्राउंड में लोगों का मौसम हुआ आसियाना था, तेरे बिन जिया जाए ना, बैकग्राउंड में यही म्यूजिक बजते जाना था। जिंदगी का नया चैप्टर कॉलेज का फसाना था। फ्रेशर्स की तैयारी में सब भूल गए, फ्रेशर्स की तैयारी में सब भूल गए, एनाटॉमी लैब भी तो जाना था। फ्रेशर्स की तैयारी में सब भूल गए, एनाटॉमी लैब भी जाना था। हर बात पे ठीक है करते, हर बात पे ओके ओके करते, लैब से हॉस्टल तक अपनी हार का सफर दोहराते आना था। जिंदगी का नया चैप्टर कॉलेज का फसाना था। संकट मोचन और साईं दरबार में प्रसाद की मांगे थी भरने लगी, संकट मोचन और साईं दरबार में प्रसाद की मांगे थी भरने लगी, तुमरे में हमरा कौनू नहीं बाबा, साइकोलॉजी के टेस्ट की वेला थी आन पड़ी। एक बार में मैडम न माने बाबा को कहाँ मान जाना था। बहुत सा रोज रूप देखने क्लासरूम भी सजाना था। क्वेश्चन थे या रोलर जिंदगी का नया चैप्टर कॉलेज का फसाना था। आज प्रेशर से कल फेयरवेल की बारी भी आएगी, आज प्रेशर से कल फेयरवेल की बारी भी आएगी, हाथ थाम लो एक दूजे का, हाथ थाम लो एक दूजे का, समय को घटने जाना है। पीछे मुड़कर देखें तो सिर्फ यार दिखें, पीछे मुड़कर देखें तो सिर्फ यार दिखें, यही कॉलेज का फसाना है, यही कॉलेज का फसाना है। A very good morning to all of you. Myself Neelu Mishra, student of BSc Nursing first year. आज मेरी कविता का शीर्षक है कॉलेज का फसाना, अगर पसंद आए तो तालियां जरूर बजाना। आज बहुत दिनों के बाद घर में खुशियां नजर आई थी, आज बहुत दिनों के बाद घर में खुशियां नजर आई थी। केजीएमयू के खौफनाक रिजल्ट के बाद आरडीएमसी में मैंने एंट्री लो पाई थी। अब मम्मी पापा को छोड़ बढ़ना मुझे आना था, जिंदगी का नया चैप्टर कॉलेज का फसाना था। याद है मुझे वो पहला लेक्चर मैथ्स के छोले खाए थे, याद है मुझे वो पहला लेक्चर मैथ्स के छोले खाए थे। पहली क्लास में सर हमको टर्मिनोलॉजी नहीं तो पढ़ाए थे। अच्छा हुआ तो पीछे बैठी वरना मुझे सो जाना था, जिंदगी का नया चैप्टर कॉलेज का फसाना था। सेल्फ इशू तक तो ठीक था यारो, इस ब्लड ने तो हम पे लाल रंग छिड़काया था। ये तो थी पढ़ाई की बातें, अब कुछ करिकुलम एक्टिविटीज पर आते हैं। अब तक तो दुपट्टे ही लोगों की घड़ियों में फंसना शुरू हो जाते हैं। ग्राउंड में लोगों का मौसम हुआ आसियाना था, तेरे बिन जिया जाए ना, बैकग्राउंड में यही म्यूजिक बजते जाना था। जिंदगी का नया चैप्टर कॉलेज का फसाना था। फ्रेशर्स की तैयारी में सब भूल गए एनाटॉमी लैब भी तो जाना था। फ्रेशर्स की तैयारी में सब भूल गए, एनाटॉमी लैब भी तो जाना था। हर बात पे ठीक है करते, हर बात पे ओके ओके करते, लैब से हॉस्टल तक अपनी हार का सफर दोहराते आना था। जिंदगी का नया चैप्टर कॉलेज का फसाना था। संकट मोचन और साईं दरबार में प्रसाद की मांगे थी भरने लगी, संकट मोचन और साईं दरबार में प्रसाद की मांगे थी भरने लगी, तुमरे में हमरा कौनू नहीं बाबा, साइकोलॉजी के टेस्ट की वेला थी आन पड़ी। एक बार में मैडम न माने बाबा को कहाँ मान जाना था। बहुत सा रोज रूप देखने क्लासरूम भी सजाना था। क्वेश्चन थे या रोलर देखकर चक्कर थे आ रहे, और हर क्लास में बच्चा होता है कहता मैंने कुछ नहीं पढ़ा।
नकारात्मक सोच वाले भी होते हैं, बस यहाँ भी इसी समाज के कुछ नकारात्मक सोच वाले लोग उस बच्ची की उड़ान पे कहते हैं, बच्ची को इतना छूट दे रखा है, इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तब बच्ची समाज को क्या जवाब देती है, आइए देखते हैं। लेकिन माँ बाप भी इस समाज में ही रहते हैं और इस समाज की बातों से प्रभावित भी होते हैं। इसी तरह माँ प्रभावित हो जाती है और अपनी बच्ची से कहती है, इन नकारात्मक बातों को सुनकर के बच्ची से कहती है माँ कि बेटा आप तुम्हारी शादी कर देंगे। तब बच्ची माँ को क्या रिप्लाई देती है, आइए देखते हैं।
आपको पता चलता है कि जिस बच्ची को इस दुनिया की बुरी नजरों से बचा के रखा, एक उसकी बच्ची जब उसे एक खरोंच भी लग जाता था, माँ बाप किस तरह से परेशान हो जाते थे। जब उस माँ बाप को पता चला होगा कि जब इस बच्ची को उन्होंने इतना अच्छे से पाल पोस के बड़ा किया, आज वो बच्ची इस दुनिया में रही ही नहीं, उस बच्ची के साथ क्या हुआ, उस माँ बाप पे स्टिल कुछ इवेंट्स बाकी हैं, होप टू कवर इन द नेक्स्ट। बाय बाय, टेक केयर गाइस, स्टे कनेक्टेड, डू लाइक।